सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल सेविसिंग को और प्रेस करें बेल आइकन को सारी लेटेस्ट यूजफुल अपडेट जानने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेविसिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह आप अपने दो दिन में चेहरे को गोरा बना सकते हैं। गोरापन पाने के लिए लड़कियाँ ही नहीं बल्कि लड़के भी बहुत क्रेजी होते हैं। कई बार आपको गोरा रंग सांवला पड़ जाता है जिसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कड़ी सूरज की धूप, प्रदूषण, छाइयाँ या फिर चेहरे पे दाग धब्बे आदि। इसके लिए वह घरेलू और बाजारी प्रोडक्ट्स का खुलकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बाजारी प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे होते हैं। दूसरा, इनमें केमिकल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन को नुकसान पहुँचता है। गोरापन पाने के लिए अगर घरेलू नुस्खे उपाय अपनाएंगे तो बेहतर होएगा। आज हम आपको ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं जो झट से गोरापन दिलाने में कारगर है। सबसे पहले आ जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पे 15 मिनट पे लगाकर फेस वॉश कर लें। फिर आ जाता है दूध और केला। पके हुए केले को थोड़े से दूध के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगाएं और 20 मिनट के बाद अपना चेहरे को धो लें। फिर आ जाता है गुलाब जल। गुलाब जल चेहरे को टोन करके पोषण पहुंचाता है। रोज़ वाटर को दूध के साथ मिलाकर लगाएं। इसे रात को सोने से पहले चेहरे पे लगाएं, इससे त्वचा चमकने लगेगी। फिर आ जाता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी त्वचा को गोरी, साफ और नम बनाएगा। इससे चेहरे और गर्दन पे 30 मिनट के लिए लगाएं और फिर अपना चेहरे को धो लें। फिर आ जाता है सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज को रात भर दूध में भिगो कर रख दें। फिर इसमें हल्दी और केसर के कुछ धागे डालकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पे 15 मिनट तक लगा रहने दें और कुछ दिनों के बाद चेहरे का रंग कोरा दिखने लगेगा। फिर आता है आम का छिलका। थोड़े से आम के छिलके को दूध के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। फिर इसे चेहरे और गर्दन पे 15 मिनट लगाने के बाद पानी से धो लें। इससे सन टैन मिट जाएगा और चेहरा भी गोरा बन जाएगा। फिर आता है शहद। शहद के कुछ बूंदे को नींबू और थोड़े से दही के साथ मिक्स करके चेहरे पे लगाएं और 15 मिनट के बाद इसे साफ कर लें। इससे चेहरा गोरा बनेगा और गंदगी भी साफ हो जाएगी। फिर आ जाता है स्क्रबिंग। शक्कर को नींबू के रस के साथ मिक्स करें और हल्के हाथों चेहरे पर रगड़ें। इससे डेड स्किन हट जाएगी और गंदगी भी बाहर निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।